हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए जिससे नई वीडियो की जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाए। हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटो सोनिक। तो आज हमारे पास जो गाड़ी है वो है नई नवेली लॉन्च हुई टाटा पंच, और ये जो है इसका बेस मॉडल है प्योर। इस गाड़ी में जो है रिदम पैक लगा हुआ है। ऊपर की तरफ आपको जो है DRL देखने को मिल जाते हैं जो कि हेलोजन रहने वाले हैं। नीचे हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, टाटा का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश, और जो है ट्राई एरो ग्रिल देखने को मिल जाती है नीचे की तरफ। ब्लैक कलर की क्लेडिंग इस गाड़ी में चारों तरफ देखने को मिलेगी। डेटोना ग्रे जो है आज इस गाड़ी का हमारे पास है। डिलीवरी के लिए ये गाड़ी तैयार करी गई है। यहाँ पे ये बेस मॉडल है प्योर, तो कोई भी एलॉय व्हील देखने को नहीं मिलता। स्टील व्हील आपको देखने को मिलता है 15 इंची का। फ्रंट में डिस्क ब्रेक, बैक में ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं गाड़ी में। 3827 mm की लेंथ देखने को मिलती है गाड़ी की। 1742 mm की इस गाड़ी की विड्थ। 1615 mm की इस गाड़ी की हाइट रहने वाली है। 187 mm की इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाली है। यहाँ पे ORVMs आपको ब्लैक कलर के देखने को मिलेंगे, पर जो टर्न इंडिकेटर्स है वो उस पर ही है। ये गाड़ी के ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स, पूरी टाटा की तरफ से IV PDI स्लिप गाड़ी पे जगह जगह देखने को मिल रही है आपको। साइड से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है टाटा पंच का। टाटा HVX के नाम से ये मार्केट में पहले आने वाली थी। ये है इसकी ट्राई एरो शेप में रियर की लाइट्स, नीचे रिफ्लेक्टर्स। बेस मॉडल में आपको ABS, EBD, डुअल एयरबैग्स, इंटरलॉकिंग, फ्रंट में पावर विंडोज और ORVMs पे LED इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं। पीछे से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है टाटा पंच का। काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर ये गाड़ी लग रही है। बीच में पंच की बैजिंग आपको देखने को मिलती है। नीचे की तरफ दो पार्किंग सेंसर देखने को मिलते हैं। गाड़ी में बेस मॉडल है इसलिए कैमरा नहीं आता है। यहाँ पर रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर विंडो में इंटीग्रेटेड राइनो का स्टिकर, जो कि टाटा की अब हर मोस्टली गाड़ी में आ रहा है। हाई स्टॉप लैंप, डीफोगर और वाइपर देखने को नहीं मिलता बेस मॉडल प्योर में, रिदम पैक में भी नहीं मिलता। इस गाड़ी का कंपटीशन जो है मारुति सुजुकी इग्निस, एस्प्रेसो, महिंद्रा की KUV100 और थोड़ा बहुत कंपटीशन निसान मैग्नाइट, रेनॉल्ट काइगर के साथ भी रहने वाला है। इसलिए गाड़ी के अंदर लेकर चलता हूँ मैं आपको, इंटीरियर दिखाता हूँ बेस मॉडल टाटा पंच का। तो 90 डिग्री डोर्स इसका भी रहने वाला है। साइड में गाड़ी है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। व्हाइट कलर का इंटीरियर का यहाँ पे यूज़ किया गया है हैंडरेस्ट पे। फ्रंट में दो ही पावर विंडोज़ आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। बैक में जो है आपको हाथ से ही मैनुअली ऑपरेटेड है, मैनुअल मॉडल ये आता है बेस मॉडल में। ड्राइवर साइड सीट की हाइट एडजस्टेबल नहीं है। यह इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील। यहाँ पे इको और सिटी दो मोड्स आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। सिटी मोड पर बाय डिफ़ॉल्ट रहती है, इको आप चूज़ कर सकते हैं। टाटा पंच प्योर के रिदम पैक में आपको स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स देखने को मिल रहे होंगे, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और यहाँ पे 4 इंचेस की इंफोटेनमेंट सिस्टम, बीच में AC वेंट्स और हजार्ड लाइट का बटन। अगर आप लोग सिंपल प्योर बेस मॉडल लेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स देखने को नहीं मिलेंगे। रिदम पैक में ये दो ऑप्शन अवेलेबल है। फ्रंट में दो एयरबैग आपको इस गाड़ी में देखने को मिलते हैं। ग्लोबल एनकैप ने इस गाड़ी को 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग दी है। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर देखने को मिलता है। यहाँ पे मिरर नहीं दिया गया है को पैसेंजर सीट पे। छोटी सी हेलोजन बल्ब देखने को मिलती है। ग्लोव बॉक्स में भी काफ़ी अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। लाइट और कूल ये नहीं रहता। डोर पॉकेट्स में भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस दी गई है। 1 लीटर की बोतल काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकती है गाड़ी पे। ऊपर की तरफ इंफोटेनमेंट के कंट्रोल, नीचे AC के कंट्रोल, और उसके नीचे USB ऑक्स चार्जिंग सॉकेट, कुछ स्टोरेज की स्पेस। ये है 5-स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन इस गाड़ी का। 1.2 लीटर 1200 cc 3 सिलेंडर रेवट्रॉन इंजन इस गाड़ी में आता है। खाली पेट्रोल में ही अवेलेबल है ये गाड़ी। यहाँ पे इस गाड़ी का हैंड ब्रेक, दो बोतल होल्डर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, कुछ स्टोरेज स्पेस। गाड़ी के ORVMs का साइज काफ़ी अच्छा खासा दिया गया है। पूरी जो बाहर का व्यू है आपको अच्छे से देखने को मिलता है। विजिबिलिटी के मामले में गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको खुला खुला फील होता है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे जो है इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है रिदम पैक में, यही दो चीज़ एडिशनल आपको रिदम पैक में मिलती है। यहाँ पे वाइपर का कंट्रोल, यहाँ पे हेडलाइट्स के कंट्रोल। 220 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है इस गाड़ी की। एनालॉग मीटर्स आते हैं। चलिए बाहर की तरफ चलते हैं और आपको पीछे से दिखाता हूँ मैं गाड़ी में बूट और रियर स्पेस कैसा है। गाड़ी की पावर की बात करूँ तो 86 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 1.2 लीटर का रेवट्रॉन पेट्रोल इंजन। पीछे जो है मैनुअल ऑपरेटेड जो है आपको मिरर्स देखने को मिलते हैं। पहले बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। 366 लीटर का बूट स्पेस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जो स्पेयर व्हील है, टूल किट है, वो आपको नीचे की तरफ देखने को मिलती है। टायर जो है बेस मॉडल में 15 इंची का रहने वाला है, स्टेपनी में भी। गाड़ी के साथ में पंच का ऑटोमेटिक टॉप मॉडल खड़ा है। जल्दी उस गाड़ी की वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाली है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लिख के बताओ, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक आपको कैपेसिटी इस गाड़ी की देखने को मिलती है। रियर का डोर
पूरा 90 डिग्री खुला है, फ्रंट के डोर भी 90 डिग्री खुलते हैं। अच्छे खासे स्टोरेज स्पेस आपको इस गाड़ी के डोर्स पे देखने को मिल जाते हैं। 1 लीटर की बोतल और कुछ सामान भी आपको अच्छे से होल्ड कर सकती है। पीछे से कुछ ऐसा डैशबोर्ड लगता है गाड़ी का। वाइट इंटीरियर के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच मिल रहा है। यहाँ पे कुछ स्टोरेज स्पेस, यह है मैनुअल ऑपरेटेड। इसके विंडोज पीछे के पीछे ISO फिक्स भी देखने को मिलता है गाड़ी में। सीट बेल्ट, पार्सल ट्रे, ग्रैब हैंडल्स आपको कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं गाड़ी में। यह इस गाड़ी का 90 डिग्री खुलने वाला डोर, जिससे आपका उतरना गाड़ी से और चढ़ना गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। पीछे का डोर हैंडल डोर पे ही आता है गाड़ी के, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी और मजबूती फील होती है गाड़ी के डोर को जब क्लोज करते हैं। थैंक यू।